सलार कुछ तो बड़ा करने वाली है, ये बात तो कन्फर्म है। देखो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत गाली मिलती है, पर अगर डंकी का कुछ अच्छा नंबर आता है तो मैं उसकी तारीफ करती हूँ, तो वही सलार का अगर कोई अच्छा नंबर या फिर अपडेट आता है तो मैं उसकी तारीफ करती हूँ। कुछ हेटर्स होते हैं जिनके अंदर इतना हेट है कि बस दोनों मूवीज को गिराने की सोचते हैं। एनीवेज सलार का एक जबरदस्त अपडेट सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये न्यूज ऐसी है जिसे सुनकर सलार के फैंस खुशी से नाचेंगे। अब आप सब जानते ही होंगे कि सलार साउथ की मूवी है तो वहाँ पे क्रेज किस लेवल पर है, और वही डंकी हिंदी लैंग्वेज की मूवी है तो उतना ही क्रेज यहाँ पर भी है नॉर्थ में। ये बात भी कन्फर्म है कि साउथ में सलार को ज्यादा स्क्रीन्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू डंकी, तो वही दूसरी तरफ नॉर्थ में डंकी को ज्यादा स्क्रीन्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू सलार। अब इसी में ट्विस्ट है। जी हाँ, पहले सलार को मिल रहे थे 2000 स्क्रीन्स, लेकिन फिर एनिमल की वजह से उसको मिल रहा था 1500 स्क्रीन। पर अब ये अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि डंकी को अब मिल सकता है 55% शोज और सलार को मिल सकता है 40% शोज। मैक्स टू मैक्स डंकी को मिल सकता है 60% शोज और सलार को मिल सकता है 40% शोज। पहले जो डंकी को 70% शोज मिल रहा था, अब वैसा नहीं है। AA फिल्म्स ने पूरा गेम घुमाया है बॉस। अब देखना ये होगा कि मूवी का रिलीज टाइम आते आते YRF कौन सा गेम खेलती है। तो वही डंकी अब 3300 टू 3500 स्क्रीन्स में रिलीज होगा और वही सलार 2000 से लेकर 2500 स्क्रीन्स में रिलीज होगा हिंदी बेल्ट में से। भले ही स्क्रीन काउंट्स डिवाइड हो गए हैं 60-40 रेशियो में, लेकिन फिर भी दोनों ही मूवी को बेनिफिट है, क्योंकि डंकी रिलीज हो रही है 21 दिसंबर को, तो उस दिन डंकी अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है क्योंकि कोई क्लैश नहीं होगा। लेकिन 22 दिसंबर को सलार को भी उतना ही फायदा होगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी डंकी 21 दिसंबर को देख चुके हैं तो अगले दिन वो सलार को देखना प्रेफर करेंगे, तो दोनों ही मूवीज को फायदा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर दोनों मूवी से कोई भी मूवी का अगर पॉजिटिव रिव्यू आता है तो फिर वो मूवी चलनी ही है। फिर उसके बाद स्क्रीन काउंट्स अगर 1500 हो या फिर 2500, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना ये होगा कि ऑडियंस कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है, और वो तो तब पता चलेगा जब 15 दिसंबर को एडवांस बुकिंग ओपन होगा, और उसी से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कौन सी मूवी फर्स्ट डे पर कितना कलेक्शन करेगी, वो भी हिंदी बेल्ट में। क्योंकि सलार को हर रीजनल लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है, इंक्लूडिंग इंग्लिश डब्ड वर्जन में भी, तो मैंने हमेशा से कहा है कि ये मूवी 200 करोड़ कर सकती है। अब जो है वो है, भले ही मैं शाहरुख खान की फैन हूँ लेकिन मुझे प्रभास के फैन फॉलोइंग का भी आइडिया है। अगर सलार 70% भी अच्छा होता है तो फिर ये फाड़ेगी, और अगर डंकी राजू हिरानी की मूवीज में से अगर 50% भी अच्छा होता है तो फिर मूवी हॉल के बाहर भीड़ लगाने के लिए काफी है। तो इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रहे हैं, इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार, और वो घंटी दबाना मत भूलना ताकि मेरे वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू।